अब हम इस अध्याय के पहले अंश को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है आयशा, जबू और आंद्रे। आयशा बगदाद के एक विद्यालय में पढ़ती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर रही थी। वो आगे चल के डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, परंतु 2003 में उनके ठिकाने पे एक मिसाइल आ गिरी जिससे आयशा की टांग जाती रही। अब आयशा फिर से चलना फिरना सीख रही हैं। वो अभी भी डॉक्टरी पढ़ना चाहती हैं, परंतु वो डॉक्टरी पढ़ना तभी शुरू करेंगी जब विदेशी सेनाएं उनका देश छोड़ के चली जाएंगी। जाबू एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा है जो डर्बन साउथ अफ्रीका में रहता है। उनकी कला पे पारंपरिक जनजातीय कला का काफ़ी प्रभाव है। जाबू आगे चल के कला विद्यालय जाना चाहता है और फिर उसके बाद अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, परंतु जाबू के पिताजी चाहते हैं कि वो MBA की पढ़ाई करे और फिर पारिवारिक व्यवसाय को आके संभाले। जबू के पिताजी का व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। जबू के पिताजी का मानना है कि MBA की डिग्री के बाद जबू उनके पारिवारिक व्यवसाय को काफ़ी फायदेमंद बना सकता है। आंद्रे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए एक युवा हैं। आंद्रे के पिताजी और माताजी अप्रवासी रूसी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए। आंद्रे की माताजी को काफ़ी गुस्सा आता है जब आंद्रे अपनी नीली जीन्स पहन के चर्च जाता है। आंद्रे की माताजी चाहती हैं कि आंद्रे चर्च में सभ्यशालीन बन के जाए, परंतु आंद्रे का मानना है कि जीन्स उनको कूल बनाती हैं और साथ ही साथ जीन्स पहन के उनको आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रे के पिताजी उनकी माताजी को याद कराते हैं कि जब वो युवा थे तब वो लेनिनग्राड शहर में वो भी जीन्स पहना करते थे और इसी कारणवश पहना करते थे जिस कारणवश आंद्रे उन्हें पहनता है। आंद्रे की अपनी माँ से बहस हुई। जबू को शायद ऐसा विषय पढ़ना पड़े जिसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इन दोनों के विपरीत आयशा की टांग जाती रही है और वो बहुत सौभाग्य पूर्ण है कि वो अभी भी जीवित हैं। क्या इन तीनों कथाओं को हम एक साथ बात कर सकते हैं? हमें करनी चाहिए और हम ज़रूर करेंगे। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि अलग अलग तरीक़ों से ये तीनों की तीनों कथाएं अमरीकी प्रचस्व से कहीं ना कहीं प्रभावित है। हम आयशा, जबू और आंद्रे से फिर से मिलेंगे, परंतु उससे पहले हमें अमेरिकी प्रचस्व को समझना है और उसका आजकल के विश्व में किस तरह प्रभाव है उसको भी समझना है। इस अध्याय के दौरान हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बजाय केवल अमेरिका शब्द का प्रयोग करेंगे, परंतु हमें ये याद रखना है कि अमेरिका का अर्थ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के दो महाद्वीप जिनमें कई देश शामिल हैं। और अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए केवल अमेरिका शब्द का उपयोग करते हैं तो ये अमेरिकी प्रचस्व का एक तरह से संकेत है। ये हमें इस अध्याय में समझना है।